हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और चटपटी स्टोरीज। तो दोस्तों देखना ही रहेगा आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। सोशल मीडिया पर चार बिल्लियों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये चार बिल्लियां एक सांप को घेर कर खड़ी हुई हैं। बता दें कि इस वीडियो को बॉलीवुड अभिनेता नितिन मुकेश ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सांप को ये बिल्लियां उत्सुकता भरी नजरों से देख रही हैं। इतना ही नहीं, सांप पर तो एक बिल्ली ने हमला भी किया है। इस वीडियो के बारे में नितिन ने बताया कि जब यह अपनी फिल्म बाईपास रोड की शूटिंग के लिए पहुंचे थे तभी उन्होंने यह वीडियो बनाया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही सांप पर बिल्लियों ने हमला किया उसके बाद वे भी उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। सांप और बिल्लियों की इस लड़ाई का वीडियो नील नितिन ने बना लिया जिसके बाद उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे अंत में लड़ाई छोड़कर सांप आसपास की हरियाली में जाकर छिप गया। बता दें कि बिल्लियों और सांप की इस लड़ाई में किसी को नुकसान नहीं हुआ और ना ही चोट आई। नील नितिन ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कैप्शन में लिखा, आज बाईपास रोड की शूट पर था, गाड़ी से उतर के यह देखा। अब तक 77,000 व्यूज इस वीडियो को मिल चुके हैं। इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि किसी को सांप पकड़ने वालों को बुलाना चाहिए था जिससे कोबरा को पकड़ कर उसे जंगल में भेज दिया जाए। यूजर के जवाब में नील ने कमेंट करते हुए कहा कि वन्य जीवन अधिकारियों को सांप को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया था। वहीं कई लोगों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने तो कमेंट करते हुए कहा कि बेचारा सांप तो बहुत ही डर गया होगा। दूसरे यूजर ने कहा कि मैं संस्था में था, कहीं किसी बिल्ली को कोई नुकसान न पहुंच जाए।